दोस्तों, ये कहानी एक स्टारशिप एवलॉन की है जो पृथ्वी से पैसेंजर को किसी और प्लैनेट पर ले जा रही होती है, क्योंकि पृथ्वी अब इंसानों के रहने लायक नहीं रह गई होती है। मूवी की शुरुआत में स्टारशिप एवलॉन को देखते हैं जो 258 क्रू मेंबर और 5000 पैसेंजर के साथ अंतरिक्ष में सफर कर रही होती है। एवलॉन होमस्टे 2 की तरफ जा रही होती है जो कि इंसानों का दूसरा घर होता है। ये स्टारशिप ऑटो पायलट पर चल रही होती है क्योंकि सारा क्रू और पैसेंजर डीप स्लीप में होते हैं, क्योंकि होमस्टेड पर पहुंचने के लिए एवलॉन को 120 सालों का सफर तय करना होता है और ये स्टारशिप AI बेस्ड होती है। दरअसल इस टाइम ऐसी टेक्निक बन गई होती है जिससे डीप स्लीप में भेजकर लोगों की एज को रोका जा सकता है। ये स्टारशिप खुद ही सारी चीजों को AI और सुपर कंप्यूटर की हेल्प से ऑपरेट कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि एवलॉन के रास्ते में कुछ उल्का पिंड आ जाते हैं जिनसे स्टारशिप टकरा जाती है और कुछ समय के लिए स्टारशिप की पावर कट हो जाती है। लेकिन ये स्टारशिप इतनी एडवांस होती है कि अपने आप ही सारी कमियां ठीक कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ एक स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है जिसमें कि एक क्रू मेंबर सोया होता है। इस क्रू मेंबर का नाम जिम होता है। जिम जैसे ही सेंसेस में आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिम को बताने लगती है कि वो एक स्टारशिप पर है जो पृथ्वी से दूसरे ग्रह यानी होमस्टे 2 पर जा रही है। और AI जिम को बताती है कि ये शिप 120 साल का सफर तय कर चुकी है और अब सिर्फ 4 महीने का सफर बाकी है जिसके बाद वो लोग होमस्टे 2 पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद AI जिम को बताती है कि उसके हाथ पर एक बैंड है जो उसे एवलॉन शिप की कुछ जगहों का एक्सेस देता है, यानी जिम उसी जगह जा सकता है जहां ये बैंड उसे एक्सेस दिलाएगी। AI जिम को उसके रूम के लिए गार्ड करती है ताकि वो आराम कर सके, क्योंकि 120 साल की नींद के बाद उसकी बॉडी सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है। कुछ समय आराम करने के बाद जिम एक रूम में पहुंच जाता है। ये रूम ग्रुप 38 के पैसेंजर्स के लिए होता है, यानी ये रूम उनकी लर्निंग के लिए होता है। ग्रुप 38 इंजीनियर्स का ग्रुप होता है। AI जिम का वेलकम करती है और उसे स्पेस लाइफ के बारे में बताने लगती है। तभी जिम AI से बाकी पैसेंजर्स के बारे में पूछने लगता है तो AI उसे बताती है कि सारे पैसेंजर तो यहाँ बैठे हुए हैं। AI की बात सुनकर जिम चौंक जाता है क्योंकि उस रूम में तो सिर्फ वही बैठा होता है। तो जिम और पैसेंजर्स की तलाश में पूरे स्टारशिप को छान मारता है, लेकिन वहाँ उसे कोई पैसेंजर जगा हुआ नहीं दिखता है क्योंकि जिम के अलावा सारे पैसेंजर अभी भी अपने चैम्बर्स में सोए हुए रहते हैं। इसके बाद जिम AI से अपनी लोकेशन के बारे में पूछता है, जहाँ AI उसे बताती है कि वो पृथ्वी से 30 साल का सफर तय कर चुके हैं और होमस्टे 2 पहुंचने में अभी उनको 90 साल और लगने वाले हैं। दरअसल उल्का पिंड के टकराने की वजह से जिम के चैम्बर में कुछ खराबी आ गई होती है जिसकी वजह से वो 90 साल पहले ही जग गया होता है और बाकी पैसेंजर अभी भी चैम्बर में डीप स्लीप में होते हैं। तो वापस डीप स्लीप में जाने के लिए जिम होमस्टे कंपनी को कॉन्टेक्ट करता है, जहाँ AI उसे बताती है कि उसके मैसेज को पृथ्वी पर पहुंचने में 19 साल का समय लगेगा और आंसर मिलने में मिनिमम 55 साल का समय लगेगा। जिसे सुनकर जिम निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी तो इस सफर में ही कट जाएगी और वो यहीं मर जाएगा। जिसके बाद जिम वहां से जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र एक बार में खड़े इंसान पर पड़ती है जो बार टेंडर होता है, जिसका नाम ऑथर होता है। ऑथर को देखकर जिम खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि चलो एक इंसान तो कम से कम जगा हुआ है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जिम की खुशी निराशा में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि ऑथर एक AI रोबोट है। जिसके बाद जिम वहाँ से ड्रिंक पीकर चला जाता है और वापस चैम्बर में सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी आइडिया काम नहीं करता है। जिसके बाद जिम थककर सो जाता है। फिर अगले दिन जिम उसी बार में जाता है जहाँ ऑथर काम कर रहा होता है। जिम ऑथर से एक ड्रिंक मांगता है और उसे पूछने लगता है कि अगर वो ऐसी कंडीशन में फंस जाता तो वो क्या करता। तो ऑथर जिम से कहता है कि ये परिस्थितियाँ किसी के बस में नहीं है और मैं निराश होने की बजाय इस समय का आनंद लेता। ऑथर की बात जिम को अच्छी लगती है तो जिम स्टारशिप पर ही बाकी की जिंदगी अच्छे से बिताने की सोचता है। जिसके बाद जिम अच्छा खाना, ड्रिंक करना यानी सारी एक्टिविटियाँ करने लगता है और इस टाइम का पूरा आनंद लेता है। लेकिन कुछ समय बाद जिम का इन सब से मन भर जाता है और उसे अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। ऑथर की बातें सुनने के बाद जो मोटिवेशन उसे मिला था अब वो चला गया होता है। क्या दोस्तों आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन आ गया हो और 2-3 दिन तक खूब धूम मचाई हो, लेकिन उसके बाद फिर से वही नॉर्मल जिंदगी पे आ गए हो। दोस्तों मेरे साथ तो ये बहुत होता है, और किस किस के साथ ऐसा हुआ है कमेंट करके जरूर बताएं। चलो अब कहानी की तरफ चलते हैं। ऐसे ही एक दिन जिम स्टारशिप में घूम रहा होता है कि तभी उसकी नज़र स्पेस सूट पर पड़ती है। ये सूट बहुत ही हाईटेक होता है जो स्टारशिप से अंतरिक्ष में जाने के लिए बना होता है। जिम उस सूट को पहन लेता है और केबल से कनेक्ट करके स्पेस में चला जाता है, जिससे उसे खुशी मिलती है। लेकिन उसे पछतावा भी हो रहा होता है कि उसकी जिंदगी यहीं अकेले स्टारशिप पर ही खत्म हो जाएगी।
जिसके बाद वो स्टारशिप पर आ जाता है और वहाँ वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिम ये कर नहीं पाता है और दौड़कर स्टारशिप में आ जाता है, जहाँ उसकी नज़र एक स्लीपिंग चैम्बर पर पड़ती है जिसमें एक खूबसूरत लड़की सोई होती है जिसका नाम अरोरा होता है। जिम वहीं खड़ा होकर अरोरा को निहारने लगता है। इसके बाद जिम अरोरा के बारे में जानकारी जुटाने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अरोरा एक लेखक है। जिम अब डेली अरोरा के चैम्बर के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, मतलब उससे एक तरफा बातें करता है क्योंकि अरोरा तो डीप स्लीप में होती है। लेकिन अरोरा की वजह से अब जिम का अच्छा टाइम कटने लगता है और कुछ समय बाद वो यहाँ भी बोर होने लगता है क्योंकि एक अकेला आदमी कब तक खुद से ही बातें कर सकता है। एक दिन बार में जब जिम ऑथर के पास होता है तो जिम ऑथर से अरोरा को जगाने के बारे में पूछने लगता है, जहाँ ऑथर जिम को ऐसा करने से मना कर रहा होता है तो जिम भी समझ जाता है कि वो अपने लिए अरोरा की जिंदगी खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन जिम का अकेलापन उस पर ऐसा हावी होता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और अरोरा के चैम्बर का मेल फंक्शन करके वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अरोरा नींद से जाग जाती है और एक हॉल में पहुंच जाती है जहां वो जिम से मिलती है। अरोरा जिम से पूछने लगती है कि बाकी के लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो जिम उसे बताता है कि बाकी लोग अभी सोए हुए हैं। अरोरा जिम से कहती है कि क्रु को तो हमसे पहले उठ जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग अभी तक क्यों नहीं जगे हैं। तो जिम अरोरा को समझाने लगता है कि दरअसल हम लोग टाइम से पहले जग गए हैं, एवलोन को अभी होमस्टे 2 पर पहुंचने में 89 ईयर का टाइम बाकी है। तो ये सुनकर अरोरा घबरा जाती है और वापस सोने के लिए चैम्बर की तरफ दौड़ती है। तो जिम उसे समझाता है कि अब वो वापस चैम्बर में नहीं सो सकती है क्योंकि चैम्बर में सोने के लिए एक स्पेशल उपकरण की जरूरत होती है जो उनके पास नहीं है। तो अरोरा जिम से कहने लगती है कि कोई तरीका तो होगा सोने का। वहीं जिम उसे बताता है कि उसने एक साल तक पूरी कोशिश करी है लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई तरीका नहीं मिल सका है। अरोरा जिम की बात नहीं सुनती है और खुद प्रयास करने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद अरोरा भी हार मान जाती है और अपने आप को समझा लेती है कि शायद यही उसकी किस्मत में लिखा है। फिर अरोरा स्टारशिप पर ही अपनी नई किताब पर काम करने लगती है जो कि इस सफर के बारे में होने वाली है, जिसे पढ़कर दुनिया जान सकेगी कि इन लोगों के साथ क्या हुआ था। इसलिए वो जिम का इंटरव्यू लेने लगती है जिससे इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है, जिसके बाद ये दोनों स्टारशिप को एक्सप्लोर करने लगते हैं और चीजों को एंजॉय करने लगते हैं। एक सुबह अरोरा जागकर आती है तो देखती है कि हॉल में कुछ रखा हुआ है। दरअसल ये एक गिफ्ट होता है जो जिम ने अरोरा के लिए बनाया होता है, जिसे देखकर अरोरा खुश हो जाती है और जिम के प्यार में पड़ जाती है। तो एक दिन वो अरोरा को स्पेस सूट पहनाकर स्पेस का सफर कराता है, जिससे अरोरा को बहुत अच्छा लगता है और वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो दोनों स्टारशिप पर कपल की तरह अपनी लाइफ बिताने लगते हैं। एक दिन अरोरा का बर्थडे होता है तो जिम अरोरा को बार में ले जाता है और अरोरा का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। इसके बाद जिम कुछ लेने के लिए बार से बाहर चला जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जिम अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला होता है। वहीं हम अरोरा को ऑथर यानी उस रोबोट से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो ऑथर से जिम की तारीफ करती है और कहती है कि वो जिम को बहुत पसंद करती है। तो वहीं ऑथर भी कहता है कि जिम भी आपको बहुत पसंद करता है, इसीलिए जिम ने आपको जगाया है। ऑथर की ये बात सुनकर अरोरा को बहुत धक्का लगता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा होता है। इसके बाद जिम भी बार में आ जाता है, जहां वो अरोरा को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन अरोरा का फेस देखकर वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वहीं अरोरा जिम से पूछती है, क्या तुमने मुझे जगाया था? तो जिम मना नहीं कर पाता है, जिसे सुनकर अरोरा जिम से नफरत करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके चैम्बर में खराबी की वजह से वो जगी है। अब अरोरा को ऐसा लगने लगता है कि उसकी दुनिया जुड़ चुकी है। जिम अरोरा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिम की कुछ नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। वहीं जिम को भी अपने आप पर गिल्ट हो रहा होता है, तो वो अरोरा से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन अरोरा जिम को देखकर वहां से चली जाती है क्योंकि तुम जिससे लव करते हो और वही तुम्हारी लाइफ के साथ खेला हो तो कौन उससे बात करना चाहेगा। दोस्तों, अगर आप अरोरा की जगह होते तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते, कमेंट करके जरूर बताना। एक दिन अरोरा पूल में नहा रही होती है और जिम स्लीपिंग चैम्बर के बारे में पढ़ रहा होता है कि तभी जिम नोटिस करता है कि शिप की लाइट फ्लिकर कर रही है। और यहाँ हम देखते हैं कि स्टारशिप के सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है, लेकिन सिस्टम अपने आप को सही कर लेता है। फिर एक दिन जिम लिफ्ट यूज कर रहा होता है कि अचानक पावर कट हो जाती है और लिफ्ट रुक जाती है, जिससे जिम लिफ्ट में ही फंस जाता है। लेकिन किसी तरह बचकर जिम वहां से निकल आता है और बाहर आकर देखता है कि एक पैसेंजर और जग गया है जो कि स्टारशिप का पायलट होता है। पायलट अरोरा जिम से और पैसेंजर के बारे में पूछने लगता है, तो जिम पायलट को बताता है कि अभी सभी लोग सोए हुए हैं और सिर्फ हम 3 लोग ही जगे हुए हैं क्योंकि हम लोगों के स्लीपिंग चैम्बर्स में खराबी हो गई है। तो पायलट स्टारशिप का डाटा चेक करने लगता है और खराबी को ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ उसे ऐसा कोई डाटा नहीं मिलता है। तो वो सिस्टम को मैनुअली चेक करने के लिए बोलता है। जब पायलट स्लीपिंग चैम्बर्स को चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि अरोरा का चैम्बर किसी ने जानबूझकर खराब किया है। फिर हम अरोरा को देखते हैं जो रूम में सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो वो नहाने के लिए
पूल में चली जाती है। वहीं अचानक स्टारशिप का सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिससे स्टारशिप की ग्रेविटी चली जाती है और सारी चीजें फ्लोट करने लगती हैं। तो अरोरा भी पूल के फ्लोटिंग बॉटम में फंस जाती है, जिससे वो सांस नहीं ले पा रही होती है, जिसके बाद सिस्टम ठीक हो जाता है और ग्रेविटी वापस आ जाती है। तो पानी भी दोबारा से पूल में आ जाता है, जिससे अरोरा भी डूबने से बाल बाल बचती है। जिसके बाद अरोरा और जिम पायलट के पास जाते हैं और इस घटना के बारे में बताते हैं कि कुछ टाइम के लिए स्टारशिप की ग्रेविटी चली गई थी। तो पायलट ऑटो सिस्टम से खराबी चेक करने के लिए कहता है, जहां उन्हें पता चलता है कि ऑटो सिस्टम ही खराब हो गया है। जिसके बाद पायलट अरोरा और जिम को अपने पास बुलाता है और सारे गिले शिकवे दूर करवाता है, जिसके बाद अरोरा जिम को माफ कर देती है। तो पायलट उनसे कहता है कि मैं मरने वाला हूं और तुम दोनों को स्टारशिप में खराबी ढूंढकर सही करनी होगी, जिसके बाद पायलट की मृत्यु हो जाती है। तभी स्टारशिप में भी खराबी होने लगती है और सारे कंप्यूटर्स काम करना बंद कर देते हैं। तो वहीं जिम और अरोरा उस खराबी को ढूंढने लगते हैं, जहां उन्हें एक दरवाजा मिलता है और उसे चेक करने के लिए दरवाजे को खोल देते हैं, जहां वो मरने से बाल बाल बचते हैं, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे स्टारशिप में होल हो गया होता है, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर उन्हें बाहर की तरफ खींच रहा होता है। लेकिन वो लोग किसी तरह उस होल को बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। अब यहाँ उन्हें खराबी का भी पता चल जाता है। दरअसल शुरुआत में जब स्टारशिप उल्कापिंड से टकराई होती है, तो एक उल्कापिंड स्टारशिप को चीरते हुए पावर रिएक्टर को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर से टकरा गया होता है, जिससे रिएक्टर कंट्रोल से बाहर हो गया होता है और इसी वजह से स्टारशिप पर पावर कट हो रहे होते हैं और जिसकी वजह से स्लीपिंग चैम्बर्स खराब हो गए होते हैं। जिम रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर को ठीक कर देता है, लेकिन फिर भी रिएक्टर कंट्रोल नहीं होता है। तो रिएक्टर को कंट्रोल करने के लिए उसे ठंडा करना पड़ेगा, और जिसके लिए रिएक्टर के दरवाजे को खोलना पड़ेगा, जो कि सिर्फ स्टारशिप के बाहर से खुल सकता है। तो दरवाजा खोलने के लिए जिम स्टारशिप के बाहर चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि गेट को खुला रखने के लिए उसे भी वहां रुकना पड़ेगा। तो वो अरोरा को बोलता है कि वो गेट को खुला रखेगा और तुम दरवाजा खोल देना। तो अरोरा ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि इससे जिम मर भी सकता है। लेकिन जिम उसे स्टारशिप पर मौजूद 5000 लाइफ के बारे में सोचने की कहता है, जिसके बाद अरोरा रिएक्टर का दरवाजा खोल देती है और रिएक्टर ठंडा होकर कंट्रोल हो जाता है, जिससे सारी खराबी स्टारशिप दूर कर लेता है। लेकिन वहीं जिम जिंदा तो बच जाता है, बट वो स्टारशिप से दूर चला जाता है, क्योंकि उसकी केबल टूट गई होती है जो उसे स्टारशिप से कनेक्ट कर रही थी। इसका पता जब अरोरा को चलता है, तो वो दूसरा सूट पहनकर उसे बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन जिम उससे बहुत दूर जा चुका होता है। तो अरोरा रोने लगती है कि तभी अचानक जिम के सूट की केबल उसके पास आ जाती है, जिसे अरोरा तुरंत पकड़ लेती है और जिम को बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों कपल की तरह पूरी जिंदगी स्टारशिप पर ही काट देते हैं और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।